जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुप्रिया भटनागर हिंदी की आशा की ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रचारित, प्रसारित और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो विविधताओं से भरे हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोती है। यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव की प्रतीक है। हिंदी को आज पूरी दुनिया में सम्मानित भाषा के रूप में देखा जाता है। अपनी मातृभाषा की सहजता, मिठास और जुड़ाव को दर्शाते हुए आज के दिन हर वर्ष जाने कितने कार्यक्रम देश विदेश में आयोजित होते हैं। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ, मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। मेरा एक अनुरोध है अपनी सरकार से, हर साल पखवाड़े के रूप में हम निरंतर कितने वर्षों से हिंदी का दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इसको प्रोत्साहन देने के लिए केवल 10-15 दिन या कुछ कार्यक्रम कर लेना ही मात्र सही नहीं है। हमें हर तरह से संभव प्रयास करने होंगे। नौकरियों में, बैंकों में, हस्ताक्षरों में के रूप में हो या पढ़ाई के रूप में हो, हिंदी का माध्यम बढ़े। ये तो हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ की भाषा है, इसे हमें बोलना ही होगा और इसका सम्मान करना ही होगा। जय श्री राम। नमस्कार।